गंतव्य पथ पर पहली बार शामिल हुआ दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड। नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश। 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सीमा सुरक्षा बल BSF के ऊंट दस्ते में महिलाएं नजर आईं। BSF के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, नेशनल कैडेट कोर और NSS के 16 मार्चिंग दलों के साथ 19 सैन्य पाइप और ड्रम बैंड शामिल हो रहे हैं। पहली बार दिल्ली पुलिस महिला पाइप बैंड ने लिया भाग। दिल्ली पुलिस के महिला पाइप बैंड ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के बैंड ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, साथ ही दिल्ली पुलिस सॉन्ग बजाया। सहायक पुलिस आयुक्त और IPS अधिकारी श्वेता के सुगतन ने इस साल परेड में दिल्ली पुलिस के दल का नेतृत्व किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस की इस मार्चिंग टुकड़ी में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल शामिल हुए। 26 जनवरी 1950 के बाद से दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को हर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ है। इसे 15 बार गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया है। इसका आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय है। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते ने 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भी जीता है। विशेष शाही वर्दी में नजर आई महिला सीमा सुरक्षा बल। रिपोर्ट के मुताबिक सोनल, निशा, भगवती, अंबिका, कुसुम, प्रियंका, कौशल्या, काजल, भावना और हिना समेत BSF की ऊंट सवार 12 महिलाओं ने कर्तव्य पथ के पारंपरिक मार्ग से विजय चौक से लाल किले तक मार्च किया। बता दें कि ऊंट दस्ते के लिए 24 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें से महज 12 महिलाओं को ही परेड में शामिल होने के लिए चुना गया। अलग अलग शहर से ताल्लुक रखती हैं ये महिलाएं। ऊंटों पर मार्च करने वाली ये महिलाएं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। बता दें कि महिला जवानों की विशेष शाही वर्दी डिजाइन की गई है, जिनमें भारत की शिल्प कलाओं को दर्शाया गया है।